सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल के NSYT। गाइस, इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंट अगर आप डिलीट करना चाहते हो कैसे डिलीट करना है, क्योंकि गाइस वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो उसको ऑप्शन को कैसे लाना और उसके बाद कैसे जो है आपको इंस्टाग्राम आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना है, इसके बारे में बताऊँगा। तो चले गए, ज़्यादा नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ गाइस कि अगर आपके पास फ़ोन है, आईफोन है, तो गाइस आईफोन के लिए कुछ अलग ऑप्शन आएगा डिलीट करने का, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका कुछ अलग ऑप्शन आएगा। सो मैं यहाँ पर दोनों ऑप्शन बताने वाला हूँ, बट मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं एंड्रॉयड के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एक स्टेप करके मैं आपको अच्छे से बताऊँगा और वहाँ पर मैं पूरा लाइव दिखाऊँगा। डिलीट करके भी मैं अपना अकाउंट दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अपना अकाउंट को डिलीट किया हूँ तभी जाके ये वीडियो बनाया हूँ, पूरा वीडियो बनाया हूँ कैसे डिलीट किया जाता है, और मेरा सक्सेसफुली जो होगा कि अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो चले गए, ज़्यादा नहीं करते और वीडियो को शुरू करते। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। चले गए, ज़्यादा नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अभी आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंट डिलीट कैसे करना है। तो सिंपली मैं इंस्टाग्राम आईडी अपना खोल लेता हूँ। गाइस, आपको अपना आईडी खोल लेना है इंस्टाग्राम आईडी को। गाइस, जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम आईडी खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में हुआ, नीचे राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस, यहाँ पर आपका प्रोफाइल। तो सिंपली क्या करना है, आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद आपका ये प्रोफाइल पूरा खुल के आ जाएगा गाइस। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, सबसे ऊपर में देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे आपको ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे थ्री लाइन होगा, तो थ्री लाइन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको आ जाएगा सेटिंग लिखा हुआ है, एक नंबर पर ऊपर में आएगा सेटिंग। तो सिंपली क्या करना है, आपको सेटिंग पर एक बार क्लिक करना है। उस पर क्लिक करना गाइस, क्लिक करने के बाद बहुत सारे वीडियो बहुत सारी आपका फ़ोन होगा जिसमें गाइस होगा कि आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे गाइस तो नीचे में कहीं ना कहीं यहाँ पर इधर मिडल में कहीं ना कहीं आपको एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट अकाउंट आपको लिखा हुआ आएगा। लेकिन गाइस, अगर डिलीट अकाउंट नहीं है तो क्या करें, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे में यहाँ पर डिलीट अकाउंट नहीं शो कर रहा। आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा देख लीजिए, कहीं पर भी आपको डिलीट अकाउंट नहीं दे रहा है। तो ऐसा भी आपका भी इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है गाइस। और गाइस, मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता देता हूँ कि डिलीट अकाउंट मैक्सिमम उस वाले फ़ोन में देता है जो कि आईफोन होता है, एप्पल का फ़ोन होता है, उसमें आपको यहाँ पे ऊपर में है डिलीट अकाउंट देता है। लेकिन एंड्रॉयड जो भी फ़ोन है उसमें डिलीट अकाउंट नहीं देता, कोई कोई फ़ोन में डिलीट अकाउंट देता है, बाकी सब में नहीं देता। अगर आप में भी ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है, ऐसा ही है, डिलीट अकाउंट नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आपको बताने लगा कैसे आपको डिलीट करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं, अभी का डेट देख लीजिए मैं कब वीडियो डाला हूँ, और हो सकता है कि बाद में आपका कुछ चेंजिंग आ जाए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी उस पर बना कर दे दूँगा। क्योंकि हमेशा अपडेट लेता है, आपको भी पता है, हमेशा अपडेट लेता है, तो अपडेट लेता है तो कहीं ना कहीं सेटिंग आपको इधर उधर होता है, चेंज होता है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी वाला वीडियो आप देखिएगा, वीडियो से हो जाता है, हेल्प मिल जाता है तो सही है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो आप उस पर बना दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको डिलीट करना है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा हेल्प वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली हेल्प लिखा, तो क्या करना है, आपको हेल्प पर एक बार क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर हेल्प पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, एक होगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, अकाउंट स्टेटस, हेल्प सेंटर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प, और दूसरा उसके बाद होगा सपोर्ट रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आपको क्लिक करना है, हेल्प सेंटर है उसके सामने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो होगा, तो क्या करना है, आपको उसी एरो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन, आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। तो सिंपल क्या करना है, आपको देखना है ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्री लाइन होगा सिंपली, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। थ्री लाइन पे जैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अकाउंट डिलीट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम फीचर्स, मैनेज योर अकाउंट है, स्टेइंग सेफ, प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग टर्म्स एंड पॉलिसी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करना है गाइस। सो गाइस, उसको जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होगा डिलीट योर अकाउंट, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है गाइस।
गाइस यहाँ पे डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट है, तीसरा है एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो इसमें गाइस आपको मैं बताता हूँ कौन सा आपको ये करना ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ गाइस, अगर आप लोग सच में डिलीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ गाइस। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आपको स्किप करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा के आप देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा और फिर से आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे डिलीट करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, तो अगर आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग तेज होंगे तो इस वाले को क्लिक करेंगे, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, लेकिन इसको आपको क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो सिंपली क्या करना है आपको, टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट क्लिक करना है गाइस। गाइस मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर टेम्प्रोरी लिखा है तो टेम्प्रोरी ही होगा, तो टेम्प्रोरी नहीं, आपको मैं परमानेंट आपको डिलीट करके अकाउंट को दिखाऊंगा। तो सिंपली टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है गाइस, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा सबसे नीचे में लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर एक बार क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे ही आप डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देखना है कहीं पे आपको डिलीट योर अकाउंट लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है गाइस तो क्या करना है, आपको फिर से ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एंड्रॉयड ऐप हेल्प, ये वाला आप देखिएगा। तो क्या करना है, सिंपली इस पर आपको एक बार क्लिक करना है गाइस, इस पर जैसे ही क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंड्रॉयड ऐप हेल्प, कंप्यूटर हेल्प, आईफोन हेल्प, मोबाइल ब्राउजर, और तीसरा सबसे लास्ट में कैंसिल। तो क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, मोबाइल ब्राउजर हेल्प पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको ये चीज़ पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा instagram.com फ्रॉम योर मोबाइल ब्राउजर, ये वाला दे रहा है, और ये जो एरो है गाइस, ये वाला जो एरो है इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर एरो पे क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट योर अकाउंट। क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, डिलीट योर अकाउंट यहाँ पे लिख रहा है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम यू कैन टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट योर अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग योर प्रोफाइल वॉन्ट अपील ऑन इंस्टाग्राम वाइल यू आर वर्किंग। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, डू यू वांट टू डिलीट योर अपना आपका चैनल, ये इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिखेगा, तो आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देगा चूज करने के लिए। तो आप जो भी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं, टू मैनी एड्स, टू बिजी, डिस्टर्ब, कैन नॉट फाइंड पीपल टू फॉलो, आपको जो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें से कुछ अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो समथिंग इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे आप जैसे ही अपना री इंटर योर पासवर्ड आप क्लिक करेंगे, अपना इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट जो है आपका चैनल जो भी हो आपका इंस्टाग्राम आईडी का नेम होगा उस पर आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक बार ऑप्शन आपसे फिर से ऑप्शन मांगेगा कन्फर्म करने के लिए कि डिलीट करना चाहते हैं, तो कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपका इंस्टाग्राम परमानेंट डिलीट हो जाएगा, और बहुत दिन तक मतलब समथिंग कुछ दिन का आपको टाइम देगा, तो वहाँ तक आप नहीं खोलिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो होगा आपका इंस्टाग्राम यहाँ से डिलीट हो जाएगा और कभी भी आपका इंस्टाग्राम वापस नहीं आएगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।